दोस्तों, कोलकाता में हुए ट्रेनी डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या का एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे पूरा देश हिला हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक क्या क्या हुआ यह तो आपको पता चल ही गया होगा। इस पूरे टॉपिक के ऊपर हम भी आपको एक डिटेल स्टोरी बताएंगे, क्योंकि अभी कुछ अहम अपडेट्स ऐसे भी हैं जो आनी बाकी है। दोस्तों, जहां तक हम लोग देख रहे हैं कि इस पूरे केस को शुरू से ही मिसहैंडल किया जा रहा है। सबसे पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया था, इसके प्रिंसिपल ने ही झूठ बोलना शुरू किया और फिर खेला शुरू होता है बीच बचाव और आरोप प्रत्यारोप का। इन सब के बीच जो एक चीज अभी तक नहीं मिला है वो है न्याय। एक तरफ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद अपने ही सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का नाटक कर रही है, तो दूसरी तरफ कोलकाता पुलिस सोशल मीडिया पर सच लिखने वालों को नोटिस थमाने में बिजी है। यानी कि हर शख्स काम तो कर रहा है लेकिन अपना नहीं। इसी बीच आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष की कहानी जानना बेहद दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि वही पहले शख्स हैं जिन्होंने एक भयानक दुष्कर्म और हत्या को सुसाइड का नाम दिया था। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं bezorjora.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी और उसकी हत्या के मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। कोलकाता डॉक्टर दुष्कर्म और मर्डर केस का एक आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, जबकि बाकी के नामों का अभी तक ना तो खुलासा हुआ है और ना ही गिरफ्तारी। बंगाल से लेकर देश के अधिकांश राज्यों में डॉक्टर्स अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हड़ताल जारी है। इस घटना के बाद विवादित प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने इस्तीफा दे दिया और इसके अगले ही दिन उसे कोलकाता के ही नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। लेकिन यह कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह की डॉक्टर संदीप घोष की दादागिरी सामने आई हो। डॉक्टर संदीप घोष का सफर एक छोटे से शहर बोगांव से शुरू हुआ था, जहां उन्होंने 1989 में बोगांव हाई स्कूल से अपनी उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पूरी की। बाद में उन्होंने आरजीकर मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की डिग्री हासिल की और साल 1994 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनका शुरुआती करियर सामान्य रहा। वैसे मेडिकल के फील्ड में देखा जाता है कि एक स्थिरता बनी रहती है, लेकिन साल 2021 में डॉक्टर संदीप घोष ने जो ऊंचाइयां हासिल की वह कई लोगों को खटकने लगा था। डॉक्टर संदीप घोष कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में वाइस प्रिंसिपल हुआ करते थे। संदीप घोष की पहली नियुक्ति ही नेशनल मेडिकल कॉलेज के मेडिकल सुपरिटेंडेंट कम वाइस प्रिंसिपल के तौर पर हुई थी और ये कई सवाल खड़े कर रहे थे, जिसके बाद 9 फरवरी 2021 को उसका प्रमोशन हुआ और उसे ट्रांसफर करके आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का प्रिंसिपल बना दिया गया। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो इंटरव्यूज हुए थे उसमें उसे 16वां रैंक मिला था, लेकिन फिर भी उन्होंने शीर्ष स्थान हासिल किया और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए। रहस्य में डूबी यह तेज तरक्की जल्दी ही उन घटनाओं का कारण बनेंगी जो उनके कार्यकाल पर एक लंबी छाया डालने वाली है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल बनते ही उसने स्टूडेंट्स के लिए दो काउंसिल बना डाली, एक सिर्फ स्टूडेंट के लिए जबकि दूसरा हॉस्टल के लिए। यह बात वहां के स्टूडेंट्स को पसंद नहीं आया और इसके विरोध में करीब 350 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उसके ऑफिस के बाहर धरने पर भी बैठे, लेकिन इसका उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ और यह विरोध प्रदर्शन जैसा शुरू हुआ था वैसा ही खत्म भी हो गया। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पर पोस्टमार्टम के लिए लाई गई लाशों के अनाधिकृत इस्तेमाल का भी आरोप है। कॉलेज के पूर्व उपाधीक्षक ने कहा कि वह छात्रों को फेल करता था और 20% कमीशन लेता था, जिसके बदले वह उसे पास कर देता था। वह अस्पताल के हर काम से पैसे वसूलता था और गेस्ट हाउस में छात्रों को शराब भी सप्लाई करता था। उसी के कुछ पूर्व साथी कर्मचारियों और बैचमेट्स ने उन पर भ्रष्टाचार और माफिया की तरह ऑपरेशन चलाने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं।
एक मामला 31 मई 2023 का देखने को मिलता है, जब वेस्ट बंगाल की सरकार ने एक नोटिस निकाला जिसमें कहा गया था कि डॉक्टर संदीप घोष को अब प्रिंसिपल के पोस्ट से हटाया जा रहा है और उसके जगह पर डॉक्टर सनत घोष को प्रिंसिपल बनाया जाना है, जिसके बाद डॉक्टर संदीप घोष द्वारा पोषित गुंडों ने प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर ताला लगा दिया और डॉक्टर सनत घोष को धमकाया भी, यानी कि उन्हें ज्वाइन ही नहीं करने दिया गया, जिसके बाद 24 घंटों के अंदर ही ममता बनर्जी के सरकार ने इस नोटिस को वापस ले लिया। ये घटना संदीप घोष की दादागिरी को दिखाने के लिए काफी था। इसके बाद 11 सितंबर 2023 को एक बार फिर वही कहानी दोहराई गई। इस बार फिर से डॉक्टर संदीप घोष के ट्रांसफर के लिए नोटिस निकला और इस बार उसे मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन करना था। उनके जगह पर यह पोस्ट इस बार डॉक्टर मानस कुमार बंदोपाध्याय को मिलना था, लेकिन डॉक्टर सनत घोष की तरह ही उसके साथ भी व्यवहार हुआ और एक बार फिर से डॉक्टर संदीप घोष के गुंडों ने उसे आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ही रखने के लिए मना लिया। और अब लेटेस्ट मामले में भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज से रिजिग्नेशन के बाद सिर्फ 8 घंटों के भीतर ही उसे कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया था। फिर जब चारों तरफ इस बात की आलोचना हुई, तब जाकर यह मामला शांत हुआ और अब डॉक्टर संदीप घोष से लगातार सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। दोस्तों, अब एक बड़ा सवाल यह है कि क्या वेस्ट बंगाल का हेल्थ डिपार्टमेंट इस बात को जानता था कि डॉक्टर संदीप घोष कॉलेज के अंदर कोई इल्लीगल काम कर रहा है और इसी वजह से लगातार उसके ट्रांसफर का नोटिस निकालता रहता था, और फिर संदीप घोष जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज को अपनी बपौती समझकर अपने हिसाब से चला रहा था, वह किसी ना किसी तरीके से सरकार को भी झुकने पर मजबूर करता रहा था। क्या है इन सब बातों की असली सच्चाई, यह बाहर आनी बहुत जरूरी है। बाकी इस मामले पर अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। और साथ ही एक और रिक्वेस्ट ये है कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारी वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारा हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।